मनाली नॉर्थ इंडिया का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। आज हम आपको मनाली में मौजूद 16 ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो ज़्यादातर लोगों ने ना सुनी और ना ही देखी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है हालन घाटी का। हालन घाटी मनाली से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे रोहतांग पास के अल्टरनेट के रूप में देखा जा रहा है और यहाँ बर्फ़ जुलाई के अंत तक देखी जा सकती है। हालांकि बर्फ़ देखने के लिए आपको गांव से 20 मिनट की पैदल यात्रा कर शीर्ष पर स्नो लाइन तक पहुंचना होता है, लेकिन हालन घाटी तक पहुंचने के लिए अभी केवल वन वे रोड ही है जो भविष्य में चौड़ा किया जा सकता है। मनाली से लगभग 98 किलोमीटर, कुल्लू से 59 किलोमीटर और तोश से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तीर्थन वैली बहुत ही शांत और सुंदर घाटी है। यहाँ पर नेचर की गोद में विश्राम करने और सुंदर पहाड़ी दृश्यों का आनंद लेने के साथ ट्राउट फिशिंग और ट्रैकिंग के ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। जीभी तीर्थन नदी के तट पर बसा एक सुंदर और पुराना हिमालयी गांव है। यह बंजर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर, मनाली से लगभग 101 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के घरों के डिज़ाइन और वास्तुकला प्राचीन हिमालयी तरीकों से किए गए हैं। पत्थर और लकड़ी से बने घर आपको बीते युग को महसूस करने का अवसर देते हैं। यह जगह इतनी शांत है कि आप बहते पानी और पक्षियों के गीतों की आवाज़ साफ साफ सुन सकते हैं। हिमाचल के कुल्लू में स्थित शोजा एक ऐसा स्थान है जो आपको अपनी सुंदरता से आश्चर्यचकित कर देगा। मनाली से लगभग 107 किलोमीटर दूर और कुल्लू से लगभग 68 किलोमीटर की दूर पर बसा शोजा एक छोटा सा गांव है जहां घनी ढकी घाटी, बर्फ से ढके पेड़ और बीच घाटी में धारा के पास मौजूद एक सुंदर गेस्ट हाउस देखने को मिलेगा जो आपको सब कुछ भुलाकर यहीं रह जाने को मजबूर कर देगा। कसोल वैली, जिसे मिनी इसराइल भी कहा जाता है, जो मनाली से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पार्वती घाटी की गोद में बसा छोटा मगर बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है। इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह स्थान भारत में विदेशी टूरिस्ट खासकर इसराइलियों का मुख्य स्थान माना जाता है। तोश वैली मनाली से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर 2400 मीटर की ऊंचाई पर तोश नदी के तट पर बसा हिमाचल का एक खूबसूरत पहाड़ी गांव है जो हिमालयी सौंदर्यता के लिए जाना जाता है। चारों तरफ फैली पहाड़ियां, घाटियां एडवेंचर के शौकीनों के लिए काफ़ी खास मानी जाती है। ट्रैकिंग के लिए तोश सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। बंजर वैली मनाली से लगभग 93 किलोमीटर और कुल्लू से 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा टाउन है जिसे देवों की घाटी नाम से भी जाना जाता है। यह कुल्लू को शिमला से जरोड़ी पास के माध्यम से जोड़ती है। बंजर घाटी का फागली उत्सव काफ़ी फेमस है। यह भगवान विष्णु नारायण के सम्मान में हर साल मनाया जाता है। मनाली से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीथन विलेज भी बहुत ही सुंदर गाँव है। यहाँ पर आप ट्रैकिंग और स्नोबोर्डिंग, स्कीइंग कर सकते हैं। यह मनाली से भृगु लेक को जाने वाले रास्ते पर है। फरवरी से नवंबर तक यहाँ जाया जा सकता है। यह एक बौद्ध गांव है और यहाँ से धौलाधार की पहाड़ियों का नज़ारा आसानी से देखा जा सकता है। जीबी से बंजर घाटी को जाने वाले रास्ते पर 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्रृंग ऋषि बागी मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चैनी गांव बहुत ही खूबसूरत है। श्रृंग मंदिर बहुत ही सुंदर है और सेब के बगानों और लकड़ी के बने घरों से घिरा है। यह मंदिर 3 मंजिला है और यहाँ से घाटी के सुंदर दृश्य देखे जा सकते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर की पैदल दूरी पर चैनी गांव में स्थित चैनी कोठी 7 मंजिला टावर जैसी इमारत थी, लेकिन अब सिर्फ 5 ही मंजिल बची है। लेकिन अब भी यह 45 मीटर से अधिक ऊँचा है और पूरे हिमाचल प्रदेश में पारंपरिक स्थानीय वास्तुकला से निर्मित सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। घोशल विलेज जाने के लिए मनु टेम्पल से थोड़ा पहले दाईं तरफ 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, या फिर ओल्ड मनाली से बाई रोड 3 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचा जा सकता है। यह बहुत ही सुंदर गांव है और यहां आपको 600 साल पुराने 3 मंजिला मकान देखने को मिलेंगे जिसमें सबसे नीचे जानवरों को रखा जाता है। बीच वाली मंजिल में अनाज इत्यादि रखे जाते हैं और सबसे ऊपर की मंजिल पर लोग रहते हैं। मनाली से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर ब्यास नदी के किनारे स्थित जगतसुख एक परफेक्ट हनीमून प्लेस है और प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल भी है। जगतसुख 2 प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, गौरीशंकर मंदिर और देवी संध्या देवी मंदिर। यह कुल्लू के पूर्व राज्य की पहली राजधानी भी था। बबेली नेचर पार्क मनाली से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर कुल्लू मार्ग में स्थित है। वन विभाग ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस पार्क को बनाया है। यह 25 बीघा में फैला हुआ है और यहाँ आपको मैन मेड लेक, बोटिंग और झूले मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ रिवर क्रॉसिंग और रिवर राफ्टिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। नगर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रुमसू एक छोटा और 100 साल पुराना पारंपरिक गाँव है।
यहाँ पर आप हिमाचल की ट्रेडिशनल विलेज लाइफ देख सकते हैं। यहाँ जामलू देवता की पूजा होती है। मलाना जाने वाले ट्रैकर्स के लिए रुमसू एक स्टार्टिंग पॉइंट है। मनाली की हलचल से दूर शनाग और बुरुआ बहुत मनमोहक गांव है। सेब के बगानों से गुजरना सपनों जैसा लगता है। बुरुआ गांव के नज़दीक ही प्रसिद्ध नेहरू कुंड है। अगले 5-10 सालों में इस जगह पर रुकने की मांग काफ़ी होगी। पांगन मॉनेस्ट्री, यह मनाली से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण की तरफ पाटलिकुवल के नज़दीक स्थित है। पांगन मॉनेस्ट्री में 80 नन और भिक्षु हैं और यहाँ से जो कुल्लू घाटी का दृश्य देखा जा सकता है वो कल्पना से भी बाहर है। अर्जुन गुफा ब्यास नदी के किनारे पर मनाली से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह प्रीणी विलेज और नगर कैसल के काफ़ी नज़दीक है। गुफा बहुत ही सुंदर है और कुंती माता मंदिर और कुंत भायो झील यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पहाड़ी घाटियों की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद यहाँ से लिया जा सकता है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।